हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही पते की वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके बारे में हो सकता है आप ना जानते हों या फिर आप इसके बारे में कभी चर्चा ना करते हों या किसी से बात ना करते हों। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि इस समय प्रमोशन की न्यूज चल रही है, पदोन्नति की न्यूज चल रही है और सितंबर 2022 तक पदोन्नति करने का आदेश भी है और बहुत सारे जिलों में वरिष्ठता सूची भी बन रही है और सारे अध्यापक उत्साहित हैं कि हमारी पदोन्नति हो जाए, हमारी पदोन्नति हो जाए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रमोशन पर ज़्यादा लाभ कब, यानी चयन वेतनमान के पहले अथवा चयन वेतनमान के बाद? पूरी बात को समझें एक उदाहरण के द्वारा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमसे भी वरिष्ठ कुछ अध्यापक हैं जो 2013 में नियुक्त हुए थे, कुछ का जो है चयन वेतनमान मिल गया होगा, कुछ का चयन वेतनमान मिलना बाकी होगा। और दोस्तों, हम लोग को 7 साल हो गया नौकरी करते हुए, ना तो अभी हमें चयन वेतनमान मिला है और ना ही प्रमोशन हुआ है। लेकिन अब प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, तो दोस्तों ये जो प्रमोशन हो रहा है क्या वो फायदेमंद है या नुकसानदायक है, आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जान लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरा सिलेक्शन 72,825 के प्रथम बैच में हुआ था और मुझे 7 साल हो गया नौकरी करते हुए। अगर दोस्तों शुरुआती 5 साल के अंदर प्रमोशन मिल जाए तब तो फायदेमंद है, लेकिन अगर 5 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है और आपको प्रमोशन नहीं मिला है और 7 साल पर आपको प्रमोशन मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से यह नुकसानदायक है। इसमें हमें जो है एक इंक्रीमेंट का नुकसान हो रहा है, आइए जाने कैसे। दोस्तों, बात को पूरे ध्यान के साथ समझिएगा। आप सभी को मालूम है कि 17,144 वेतन विसंगति के चलते प्रमोशन हो चाहे चयन वेतनमान हो, आपको क्या फायदा होता है? आपका प्रमोशन होता है तो सिर्फ एक इंक्रीमेंट का फायदा होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपका चयन वेतनमान लगता है तब भी आपको एक इंक्रीमेंट का फायदा होता है। तो आइए हम यहाँ पर अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि चयन वेतनमान के बाद प्रमोशन फायदेमंद है या चयन वेतनमान के पहले प्रमोशन फायदेमंद है। अगर आपने 7 साल की नौकरी कर लिया है तो मेरे हिसाब से अब जो है प्रमोशन फायदेमंद नहीं है बल्कि नुकसानदायक है। पहले चयन वेतन लीजिए, उसके बाद प्रमोशन प्राप्त कीजिए, तब तो आपको फायदा होगा। वो कैसे? नियुक्ति तिथि 7 नवंबर 2015, अर्थात हमारी नियुक्ति तिथि 7 नवंबर 2015 है। वर्तमान मूल वेतन 42,300। इस समय जून चल रहा है, मई चल रही है, जून चल रही है और जुलाई में एक इंक्रीमेंट लग जाएगा। जुलाई के पहले पहले जो हमारा मूल वेतन है वो 42,300 है। जुलाई 2022 के पहले प्रमोशन की संभावना नहीं है, यानी जुलाई 2022 के पहले तो प्रमोशन होना नहीं है। तो जुलाई में एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, जुलाई 2022 में हमारा मूल वेतन हो जाएगा 43,600। अब मान लीजिए इसके बाद प्रमोशन होता है अगस्त 2022 से जून 2023 के बीच में, प्रमोशन का फायदा अगर होगा तो हमें एक इंक्रीमेंट का फायदा होगा और हमारा मूल वेतन हो जाएगा 44,900, अर्थात हम 4600 ग्रेड पे के बिल्कुल शुरुआती वेतन पर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल अपने राइट टाइम पर 44,900। यानी 2022 से जून 2023 के बीच में अगर प्रमोशन होगा तो हमारा मूल वेतन क्या होगा? 44,900। एक इंक्रीमेंट का फायदा मिला हमें, 43,600 से आगे बढ़ गए हम 44,900 पर, अर्थात हमारे बैच को कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम अपने आप ही जुलाई 2023 में 44,900 प्राप्त कर लेंगे, चाहे प्रमोशन हो या ना हो। 4600 ग्रेड पे का जो शुरुआती वेतन है वह हम खुद ही प्राप्त कर लेंगे। तो अगर जून तक प्रमोशन हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़ायदा मिलेगा? जुलाई में तो हमारा वेतन 44,900 हो ही जाना है, और जून में 44,900 हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने की सैलरी में थोड़ा बहुत जो 1,500 रुपये का अंतर आएगा, उतना ही फायदा हुआ एक बार खाली। अदरवाइज जुलाई में तो हमारा 44,900 हो ही जाएगा, अर्थात हमारे बैच को कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम अपने आप ही जुलाई 2023 में 44,900 प्राप्त कर लेंगे, फायदा बराबर शून्य। अर्थात दोस्तों, अगर आपका प्रमोशन जून तक
हो जाता है 72,825 तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब चलिए बात करते हैं चयन वेतन मान लगेगा। अगर हमारा प्रमोशन नहीं होता है तो हमारा चयन वेतन मान कब लगेगा? 7 नवंबर 2025 को, यानी 10 साल बाद। हमने 7 नवंबर 2015 को ज्वाइन किया और हम चयन वेतन मान के अधिकारी हो जाएंगे 7 नवंबर 2025 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चयन वेतन मान के समय हमारा मूल वेतन मान होगा 47,600, अर्थात 7 नवंबर 2025 में जो हमारा मूल वेतन होगा 47,600 होगा। अगर नवंबर के बाद हमारा चयन वेतन मान लग गया, और अगर चयन वेतन मान लग गया तो हमारा मूल वेतन पहुंच जाएगा 49,000 पर। एक इंक्रीमेंट का फायदा होगा, अर्थात हम पहुंच जाएंगे 49,000 पर। ठीक है, अब बात करते हैं 7 नवंबर 2025 के बाद अगर हमारा प्रमोशन होता है, चयन वेतन मान प्राप्त करने के पश्चात पदोन्नति होने पर मूल वेतन पहुंचेगा 50,500, यानी एक इंक्रीमेंट का फायदा मिला 7 नवंबर 2025 के बाद। और जुलाई के पहले यानी जुलाई 26 के पहले अगर हमारा प्रमोशन हो गया तो हम पहुंचेंगे 50,500 पर, अर्थात जुलाई 2026 के पहले हमारा मूल वेतन होगा 50,500, अगर इस बीच में हमारा प्रमोशन हो जाता है तो। अब बात करते हैं 50,500 पर पहुंच जाएंगे जुलाई 2026 के पहले, जुलाई में फिर इंक्रीमेंट लग जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जुलाई 2026 के पहले का ही हम आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। ये तो रहा चयन वेतन मान के सहारे हम कहां पर पहुंच रहे हैं, चयन वेतन मान और प्रमोशन के सहारे हम पहुंच रहे हैं 50,500 पर। बिना चयन वेतन मान प्राप्त किए पदोन्नति होने पर क्या मिलेगा? कि अगर पदोन्नति अगस्त या सितंबर में होती है तो, हमने तो लिखा था यहाँ टू लिख दिया, तो जून 2023 में हमारा मूल वेतन होगा 44,900। ठीक है, सितंबर अगस्त में पदोन्नति हो जाती है, एक इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा 43,000 जो है 500 की जगह 44,900 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जुलाई 2023 में हमारा मूल वेतन हो जाएगा 46,200। अब ये आगे बढ़ता जाएगा और जुलाई 2026 के पहले हमारा मूल वेतन होगा 49,000। वहाँ कितना हो रहा था दोस्तों, 50,500। चयन वेतन मान के सहारे जब जा रहे थे तो 50,500 पा रहे थे, और खाली जो है यहाँ पर पदोन्नति के सहारे जा रहे हैं तो हम 49,000 पा रहे हैं। तो कहाँ फ़ायदा है कहाँ नुकसान है आप समझ गए होंगे। अगर अभी आप पदोन्नति आपको मिल जाती है तो आपको एक इंक्रीमेंट का नुकसान होगा, और अगर आपको चयन वेतन मान मिलने के बाद आपकी पदोन्नति होती है तो आपको एक इंक्रीमेंट का फायदा होगा। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए प्रमोशन के बहुत पीछे मत पड़िए। अगर आप चयन वेतन मान के दायरे में हैं तो पहले आप अपने चयन वेतन मान की चिंता कीजिए, अपना चयन वेतन मान लगवाइए। चयन वेतन मान के पश्चात जब पदोन्नति होगा तो आपको दोहरा फायदा होगा, चयन वेतन मान के बाद एक इंक्रीमेंट बढ़ेगा और पदोन्नति के बाद फिर एक इंक्रीमेंट बढ़ेगा, अर्थात आपको दो इंक्रीमेंट का लाभ होगा। और अगर पहले आप पदोन्नति प्राप्त कर लेते हैं तो आपको सिर्फ एक इंक्रीमेंट का लाभ होगा। तो दोनों बातें आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो आशा करता हूं कि मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।